भारत में महंगाई का रोना रोने वाले लोगों को शायद यह वीडियो थोड़ा सुकून जरूर देगी और वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के लिए बुरा भला कहना थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि यह वीडियो देखकर आप जान जाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ महंगाई पर बहुत हद तक लगाम लगा रखी है। नहीं तो क्या चीन, क्या श्रीलंका, क्या नेपाल और क्या पाकिस्तान, अपने चारों तरफ जिस तरफ भी देख लीजिए, महंगाई के कारण लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है। अभी आप यह जो वीडियो देख रहे हैं वह पाकिस्तान से है, जहां पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और फल तो लोगों की पहुंच से दूर ही हो गए हैं। और अगर बात करें मीट और गोश्त की, तो यह पाकिस्तान में आम आदमी अब सोच भी नहीं पा रहा है। यह वीडियो देखिए और जानिए पाकिस्तान के आम लोगों का महंगाई पर क्या कहना है और कमेंट में जरूर दीजिएगा अपने विचार। चिकन था, उसका रेट भी बहुत कम था। अब जो चिकन है वो मतलब 500-700 रुपए किलो पहुंच चुका है, तो पिछले साल तो बहुत कीमत कम थी कि चिकन की भी। और जो मटन बीफ है वो तो खा ही नहीं सकते हैं, गरीब लोग हैं वो तो कर ही नहीं सकते हैं, कि उनका इतना काम है कि वो 500 रुपये उनकी मजदूरी होती है और 500 के एक किलो की मिलता है। इतनी मतलब महंगाई होगी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो लिहाजा डबल से ट्रिपल हो गई है तकरीबन इस टाइम। मुर्गी 260-270 रुपये किलो बिक रही है, तो बाकी यानी खाने पीने की हर चीज़, आप ऑयल को ले लें वो इतना तेज़ हो गया, हर चीज़ रोज़ बरोज़ यानी हफ्ते के हिसाब से रेट ऊपर चढ़ रहा है। रमज़ान के हिसाब से महंगी ही दे रहे हैं। अभी गोश्त पहले जैसे 800 रुपये बग़ैर हड्डी वाला गोश्त था, अभी 850 उन्होंने कर दिए। पहले ये जो हड्डी वाला गोश्त था वो 650 था, अब उन्होंने 700 कर दिया। मतलब हर चीज़ में इसी तरह 50-100 रुपये इसी तरह महंगी ही दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कहते तो हैं महंगाई है महंगाई, आप रेस्टोरेंट्स में जाके देख लें, गोश्त की शॉप्स पे देख लें, रश उतना ही है, 10 बजे से गोश्त ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इस बात का क्यों इतना शोर डालते हैं। जो गरीब बंदा है उसका तो बच्चा बच्चा कमा रहा है, जो मिडल मैन है ना सिर्फ वो ही पिस रहा है, बाकी अमीर लोग भी ऐश में यहाँ पर और गरीब बंदा भी। अच्छा, यहाँ पे एक